जय हिंद। देखिए, मैं प्रकाश सर आप लोग के बीच फिर से डीएनए टॉपिक को लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्लास में मैंने बताया था कि डीएनए को मैं दो पार्ट में बताऊँगा। जो पहला पार्ट में मैंने आपको बताया था वो डीएनए का आणविक संरचना है कि किस प्रकार से उसमें कौन कौन से रासायनिक संगठन पाए जाते हैं, उसका आणविक संरचना कैसा होता है। आज इसमें हम डीएनए पर आगे चर्चा करने से पहले मैं कुछ सवाल रखना चाहूँगा आप लोग में से सबको डीएनए के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता होगा, और नहीं कुछ तो पिक्चर में सीरियल में ज़रूर देखते होंगे वहाँ पे डीएनए जांच की बात करता है। तो आखिर ये डीएनए है क्या? आपने कभी सोचा है कि यह जो डीएनए है वो कहाँ पाया जाता है? आपने सोचा है कि इस डीएनए का कार्य क्या है? यह डीएनए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? यदि आप ऐसा सोचते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि इसमें आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा डीएनए का जो पूरा नाम है वो है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसका पूरा नाम जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था डिऑक्सी राइबो भी लिख सकते हैं, डिऑक्सी राइबो इसको अलग लिखते तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसमें क्या है, डिऑक्सी राइबो शुगर पाए जाते हैं, क्योंकि यह केंद्रक में नाम में ही स्पष्ट था कि कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं, तो अतः इसे न्यूक्लिक कहते हैं और इसकी प्रकृति एसिडिक होती है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि डीएनए जो पाए जाते हैं वो केंद्रक में पाए जाते हैं। एक चीज़ को ढंग से समझ लीजिए कि यह केंद्रक कहाँ है, यह केंद्रक कोशिका में है। तो हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं ना, सभी कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए होते हैं। केवल और केवल आरबीसी के कोशिका को छोड़ के, हमारे शरीर में जो आरबीसी की कोशिकाएं हैं उसमें डीएनए नहीं होते, बाद बाकी सभी कोशिकाओं में होते हैं। यह जो डीएनए है किसी भी कोशिका के दो संरचनाओं में पाए जाते हैं। ये केंद्रक, इसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ये न्यूक्लियस, ये क्या है, केंद्रक। तो एक तो इसमें डीएनए पाए जाते हैं, इसी में डीएनए होते हैं, ठीक, ये डीएनए है। तो केंद्रक में जो डीएनए होते हैं उसे न्यूक्लिक डीएनए कहते हैं, NUCLEIC न्यूक्लिक डीएनए कहते हैं, क्योंकि ये केंद्रक में पाए जाते हैं। इसके अलावे जो डीएनए हैं वो कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले या माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाए जाते हैं। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में के मैट्रिक्स में जो डीएनए पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। याद रखिएगा कि 99% जो डीएनए हैं यानी अनुवांशिक पदार्थ है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो केंद्रक में पाए जाते हैं। केवल और केवल 1% या इससे भी कम मात्रा में डीएनए जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ये तो हो गया डीएनए की उपस्थिति कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने समझ ही लिया है कि डीएनए हमारे समस्त कोशिका में पाया जाता है, केवल आरबीसी को छोड़ के। मनुष्य के शरीर में स्तनधारी का आरबीसी में डीएनए नहीं पाया जाता है, इसे ध्यान से याद रखिए। अब आते हैं हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। आज जो डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर है वाटसन एंड क्रिक मॉडल, इसलिए क्योंकि वाटसन और क्रिक ने ही डीएनए का विस्तार में वर्णन किया था, और ये सेंस 1953 के अबाउट में, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल में देखेंगे कि इन्होंने डीएनए के संरचना के बारे में क्या बताया। तो सबसे पहले हम लोग डीएनए हेलिक्स को बना लेते हैं। डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स का बना होता है। डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स का बना होता है। देखिए, डीएनए दो प्रकार के होते हैं,
सिंगल हेलिक्स वाले भी डीएनए होते हैं, लेकिन मानव में मेमेलियन में जो डीएनए पाए जा रहे होते हैं वो क्या हैं, डबल हेलिक्स के होते हैं। तो इन्होंने बताया कि डीएनए अधिकांशतः क्या होते हैं, डबल हेलिक्स के होते हैं। देखिए इसी को हम लोग हेलिक्स कहते हैं, एक का स्टार्टिंग पॉइंट इधर कर देते हैं और एक ही है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं इस धड़ ऊपर से हेडिंग को हटा रहा हूँ। वाटसन ने बताया कि ये डबल हेलिक्स के बने होते हैं और दोनों हेलिक्स का जो बीच का दूरी होता है वो 20 एंगस्ट्रोम होता है। वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रोम। और इसका जो ये संपूर्ण एक जो घुमाव है या जो पूरा एक घुमाव है यहाँ से यहाँ तक का जो घुमाव होता है ना वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रोम का होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि दोनों हेलिक्स के बीच की दूरी क्या होती है, 20 एंगस्ट्रोम, और एक जो घुमाव यहाँ से यहाँ तक ये 34 एंगस्ट्रोम होता है। इसमें भी क्या होता है, एक जो पहला यहाँ से यहाँ तक का जो शेप है ना वह 12 एंगस्ट्रोम का होता है, और जबकि ये जो बड़ा वाला ये जो घुमाव है इस यह घुमाव कितना होता है, 22 एंगस्ट्रोम का होता है। तो इसको एकदम कंसंट्रेट हो किसको समझना है। तो ये तो हो गया डीएनए में जो हेलिक्स है उसका। अब बात करते हैं डीएनए का जो यह घुमाव है यह दक्षिणावर्ती होता है, इट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। क्या होता है, दक्षिणावर्ती होता है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा हुआ होता है। आप जो यहाँ पे सटा हुआ देख रहे हैं, ये सटा हुआ नहीं है। आप सीधा ये समझिए कि आप दो एक सीढ़ी को लीजिए और सीढ़ी को क्या कीजिए, बेंड कीजिए, मोड़िए, तो वो एक निश्चित जो डिस्टेंस है उस पर से क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ पर भी उतना ही दूरी है जितना यहाँ पर दूरी है, यहाँ पर भी एक जैसा ही दूरी है। अब देखिए इसका एक सिरा जो होता है वो थ्री इंड होगा, तो इसका दूसरा सिरा क्या होगा, फाइव इंड होगा। अब ये इंड क्या है, ये सिरा क्या है, तो बाद में अगला जो मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा उसमें मैं इसका इसको डिफाइन करूँगा। यह वास्तव में कार्बन एटम की उपस्थिति को दर्शाता है कि यहाँ पे तीसरा कार्बन पाया जाएगा, तो इस छोर पे क्या आ जाएगा, पांचवा कार्बन आएगा, जबकि दूसरा जो हेलिक्स होगा ठीक इसके विपरीत होगा। इस साइड जहाँ ये तीसरा है वहाँ पे इधर क्या होगा, पांचवा इंड होगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा तीसरा इंड हो जाएगा। तो जस्ट अपोजिट होता है। अब बात करते हैं कि ये हेलिक्स का निर्माण जो करता है वो कैसे करता है। यह जो हेलिक्स है यह हेलिक्स जो बना हुआ है इस भाग पर डीऑक्सीराइबोस शुगर होते हैं, और डीऑक्सीराइबोस शुगर के कार्बन एटम से फॉस्फोरस जुड़े होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड जुड़े होते हैं, जो कि हेलिक्स बना लिए, और इसके बीच में जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला दोनों को जोड़ती है। तो सबसे पहले समझिए न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड है प्यूरीन प्लस पायरीमिडीन, यही न्यूक्लियोटाइड है। यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं एक प्यूरीन बेस और एक पायरीमिडीन बेस से मिलकर बने होते हैं। तो ये दो प्रकार का बंधन बनाते हैं, एक क्या होता है एडिनिन जो होता है वो किससे जुड़ता है, वो थायमिन से जुड़ा होता है, और दूसरा जो है वो उसमें क्या होता है, गुआनिन किससे होता है, साइटोसिन से। यह जो जुड़ता है ये डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि ये क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड से। ये गुआनिन जो साइटोसिन जुड़ता है वो क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यही इसका क्या है फुल स्ट्रक्चर है। तब देखिए यहाँ पर इसको बनाएंगे, एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा, ये कैसे जुड़ रहा है, यहाँ पे मानिए एडिनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थायमिन से, और फिर थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एडिनिन से, उसी प्रकार यहाँ गुआनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन से, और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड गुआनिन से। अब आप पूछ सकते हैं कि यह नंबर क्या होगा, तो मैं इसके बारे में और स्पष्ट कर दूँ कि यह एक नाइट्रोजन, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यह एक पूरे श्रृंखला एक न्यूक्लियोटाइड है, यह दूसरा है या तीसरा है या चौथा है। यह जो दो क्रमागत न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रोम। यह कितना होता है
3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो एक पूरा घूर्म माप कितना था 34 एंगस्ट्रॉम का, इसमें 3.4 एंगस्ट्रॉम से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 10। ये कितना आएगा 10, मतलब कि एक घुमाव में कितने ये न्यूक्लियोटाइड होंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो इसी संरचना को इन्होंने क्या किया, बहुत स्पष्ट रूप से बताया, और यही क्या था आपका वाटसन एंड क्रिक मॉडल था, मतलब इसकी जो संख्या है इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी एक पूर्ण घुमाव में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। चलिए अब इस डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे बनाने में सुविधा हो, और बहुत ही आसान यह बनाना है। इसके बाद मैं इसका मोलिकुलर डायग्राम बनाता हूँ। तो चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जो मैं डीएनए का संरचना बना रहा हूँ वो संरचना इसका मोलिकुलर बेस पर आधारित है कि ये कैसे जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे डीएनए का मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि श्रृंखला का निर्माण होता है वो किससे होता है, वो राइबोज डीऑक्सी राइबोज शुगर और फॉस्फोरस से होता है। ये देखिए ये बीच में भाग है, ये ऑक्सीजन है, इसको हम ऐसे देखने में जीरो लगता है, मैं कलर बदल देता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक लेंगे, फिर यहाँ पे एक लेते हैं और फिर यहाँ पे एक लेते हैं, ठीक। आप देखिए यहाँ पे ये जो फुल बॉन्डिंग है, आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर का संरचना बताया था, तो यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से था, यहाँ केवल हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, बस यही अंतर है राइबोज शुगर डीऑक्सी राइबोज शुगर में। राइबोज शुगर में यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होता है और डीऑक्सी राइबोज शुगर में केवल हाइड्रोजन है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है और ये क्या हो गया CH2OH, ये CH2OH। इसी तरह से ये पूरी संरचना हो जाएगी, यहाँ पे मैं बना देता हूँ सबको, फिर ये देख लीजिए थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, अब यहाँ पे आते हैं, देखिए देखने में ये हार्ड जरूर लगता है लेकिन थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा पढ़ाई के प्रति तो बहुत आसानी से इसे बना लीजिएगा। ये क्या हो गया यहाँ पे ओ एच एच, यहाँ पे एच, फिर एच, यहाँ पे ओ एच एच, यहाँ पे एच और ये सी एच टू ओ एच, जस्ट लाइक ओ एच एच एच, यहाँ पर भी एच, यहाँ पे एच, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पे सी एच टू ओ एच और यहाँ पे एच, अब यहाँ आइए ओ एच, ये एच है, ये एच है, ये एच है, ये एच है और ये ओ एच है, यहाँ पे एच है, ये सी एच टू ओ एच। अब देखिए यहाँ पे कार्बन काउंट कीजिए, मैंने कल भी बताया था पिछले वीडियो में, ये पहला कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, यहाँ पे चौथा है और ये कार्बन पांचवा है। तो एक देखिए इसका ये छोर क्या हुआ, फाइव इंड हुआ। इसी तरह से मैं इधर लिखता हूँ तो ये पांचवा हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये तीसरा हो गया, इसका भी ये पांचवा हो गया और यहाँ पे ये तीसरा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा और ये यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। अब देखिए ये जो हेलिक्स बनते हैं तो पहले कार्बन के देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले जो शुगर है उसमें क्या होगा, पहले डीऑक्सीराइबोज शुगर तीसरे कार्बन और दूसरे के पांचवें से, और यहाँ फॉस्फोरिक एसिड जुड़े होंगे, या शॉर्ट में खाली पी लिख सकते हैं या पूरा आपको याद है तो पूरा लिखिए। चलिए पहले मैं
इंक्लूड कर देता हूँ। आप देखिए क्या था उसका, H3PO4। मैं उस फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ जिससे आपको समझना भी आसान है और बनाना भी आसान है। आप दूसरा जो हेलिक्स होगा ठीक इसका रिवर्स होगा, ठीक रिवर्स होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से बनाते हैं, ये हो गया यहाँ पे एक, इसके नीचे ये दूसरा लेते हैं, इसके नीचे यहाँ पे हम लोग तीसरा लेते हैं, इसके नीचे यहाँ पे चौथा ऑक्सीजन लेते हैं और ठीक इसी तरह का संरचना बना देंगे लेकिन अपोजिट। देख लीजिए बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इसको बना देना है, यहाँ पे ठीक उसी तरह फिर अपोजिट डायरेक्शन में बनाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में इसको बना दिए आप, यहाँ पे होगा यहाँ यहाँ इसी तरह, इसमें भी बॉन्डिंग है, ये सब बॉन्डिंग है जहाँ से जुड़ेगा। अब यहाँ पे एक खास बात आपको यह समझना है, ये अपोजिट है तो डायरेक्ट ऐसे नहीं अपोजिट है बल्कि ये घूम का अपोजिट, ये ऐसे घूमेगा, ये जब घूमेगा तो CH2OH कहाँ आ जाएगा, CH2OH यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा CH2OH। इस पोर्शन को आपको समझना है, जब CH2OH यहाँ आएगा तो यहाँ पे H आ गया, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पर क्या हो जाएगा H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे हो जाएगा H। अब इसमें देखिए ठीक, अब तो बिल्कुल जैसा ऊपर बनाया वैसा यहाँ लिख दीजिएगा आप CH2OH, HOH, H, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा H हो जाएगा और ये पे OH हो जाएगा। यहाँ भी देखिए CH2OH, H, यहाँ पर भी H था OH, H है, H फॉर हाइड्रोजन होता है, OH है, यहाँ पर ये H होगा, यहाँ क्या होगा CH2OH होगा। अब देखिए यहाँ पर OH, यहाँ पे H, ये भी H, H यहाँ पे OH। अब देखिए कार्बन एटम की संख्या किधर से अब काउंट होगी, यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे इधर से काउंट होगी, ये तो देखिए ये पाँचवा था तो इसके इस कॉर्नर में ये क्या होगा तीसरा, फिर ये यहाँ पर पाँचवा होगा तो ये क्या होगा तीसरा होगा, उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा ये पाँचवा होगा और ये तीसरा होगा। यहाँ पे मैंने पहला में आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कहाँ पे कौन सा कार्बन है, आप चाहे तो यहाँ पे फर्स्ट सी सेकेंड सी लिख सकते हैं, तो फर्स्ट सी मतलब पहला कार्बन, ये सेकेंड सी मतलब दो कार्बन नहीं बल्कि दूसरा कार्बन की बात होगी, इस तरह से भी आप लिख के बना सकते हैं। अब चलिए इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, अब क्या होगा इसमें भी देखिए, यहाँ पहला इधर शुरू हुआ, पहला का तीसरा, दूसरा का पाँचवा, फिर तीसरा पाँचवा, तीसरा और पाँचवा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा H3PO4। आप पीछे के वीडियो से इसका फुल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये दोनों श्रृंखला बन गई, एक का एक छोर क्या हुआ ये 5 इंडिया, तो इसका दूसरा छोर क्या हो गया देखिए 3, तो इसके जस्ट इधर आइए तो इसका क्या हो गया दूसरे, इसका ये छोर क्या हो गया ये 5 इंड हो गया, और इसका ये जो हो गया ये क्या हो गया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा कार्बन है, बाहर निकाल के लिख देते हैं जिससे ठीक हो, तीसरा कार्बन है तो ये हो गया 3 इंड, ये हो गया हेलिक्स की बनावट। अब देखिए इसमें जो जुड़ा होता है एडिनिन हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से किससे जुड़ेगा, थायमिन से, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम एडिनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थायमिन से, तो जस्ट उसके बाद लम आ जाएगा रिवर्स आएगा, थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से एडिनिन से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा गुआनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से, यहाँ होगा साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से गुआनिन से जुड़े होंगे, और यही एकदम लंबी श्रृंखला चलते चली जाती है, और ये इधर 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 यहाँ से जोड़ दीजिए, यहाँ से जोड़ दीजिए। देखिए इस बॉन्डिंग को मैंने शॉर्टकट बता दिया क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बचा हुआ है, इधर से भी ऑक्सीजन के बॉन्डिंग को लेकर आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड बचा हुआ था उससे जुड़ता है आपका, ये तो मैं स्पष्ट तरीका से कर दूँ इसे,
यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन होगा और उससे इसको जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ रहने देते हैं कि इससे आपको बनाने में सुविधा हो। ये इसका क्या हो गया कि मोलिकुलर फॉर्म में आप इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को दर्शाते हुए आप डीएनए का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, यह जो हेलिक्स है इसके बीच का दूरी हो गया 20 एंगस्ट्रॉम, ये दो एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है और ये इस बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, और चूंकि ये 10 हुआ आएगा तो कितना हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि डीएनए बहुत ही आसान सा टॉपिक हो जाता है यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो आपको जिस भी बायोलॉजी के टॉपिक में समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना कर दूंगा। और यहाँ पे मैं वीडियो बनाने में नो एनिमेशन नो आउटसोर्सिंग इंक्लूड माय वीडियो, डायरेक्ट ऑन द टॉपिक में आपसे बात कर रहा होता हूँ कि जिससे कि आप एग्जाम का प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से कर सकें। और यदि अभी भी डीएनए कुछ समझने में कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए इसका थोड़ा एप्लीकेशन बता देते हैं। देखिए किसी भी दो व्यक्ति में जो डीएनए होता है ना वो 99% तक क्या होता है एक समान होता है, केवल 1% डीएनए में ही अंतर होता है। यानी दो व्यक्तियों के डीएनए में 99% लमसम समान होता है, बस 1% का अंतर समझिए। तो इसका कई उपयोग है, इसके द्वारा हम जीवों के आनुवंशिक लक्षणों को ज्ञात कर सकते हैं, इसके द्वारा हम दूर संबंधियों की नज़दीकता के बारे में, आपस में जो दूर देशांतर में लोग रह रहे हैं उनके बीच की जो संबंध है उसके बारे में जान सकते हैं, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं डीएनए के मैपिंग से, डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से, सॉरी डीएनए मैपिंग से हम लोग पता कर सकते हैं कि पिता मुख्य रूप से जैविक पिता कौन है या जैविक संतति कौन है, इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंट से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी घटना को किसने अंजाम दिया। सपोज कीजिए कि प्रकाश सर को कोई आया यहाँ पे मारने के लिए आया, अब मारेगा तो नहीं कहेंगे तुम आओ हमको मारो हम मर जाएंगे, अरे जब तक जिंदा है तो बचने का कोशिश करेंगे, बचने कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उसका बाल नोच लेंगे, उसका मुंह न छोड़ लेंगे, कुछ तो करेंगे, साधन नहीं है। यदि पास में आ गया तो यदि इसमें भी सक्सेस हो गए तो मेरे हाथ में बाल पूछ का होगा या नाखून में जो उसकी कोशिका होगी उससे क्या होगा डीएनए मैपिंग तैयार किया जाएगा, और डीएनए मैपिंग से क्या होगा संभावित व्यक्तियों के डीएनए मैपिंग से मिलाया जाएगा और वो दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा इससे, बिल्कुल आप सही समझो, तो इससे क्या होगा कि मुजरिमों का पता किया जा सकता है। इसी तरह से ये सब डीएनए का एप्लीकेशन है, आप डीएनए को ढंग से पढ़िए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको धन्यवाद, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए जिससे कि मुझे उत्साह मिलती रही और मैं अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपको वीडियो देते रहूं। धन्यवाद।